कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के विवादित बयान की निंदा करते हुए कहा कि सत्ती ने जो बयान बद्दी में दिया है वह निंदनीय है। यहां तक कि हमारा ये मानना है कि जब से प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती विधानसभा चुनाव हारे हैं तब से वह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सतपाल सिंह सत्ती का विरोध करेगी, जहाँ लोकतांत्रिक तरीके से रोष प्रदर्शन भी करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सत्ती ने जो बयान बद्दी में दिया है वह निंदनीय है। यहां तक कि हमारा ये मानना है कि जब से प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती विधानसभा चुनाव हारे हैं तब से वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सत्ती का विरोध करेगी, जहां लोकतांत्रिक तरीके से रोष प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इससे पता चलता है कि वह किस तरह की विचारधारा का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ती ने धार्मिक संस्था से जुड़े श्रद्धालुओं की आस्था को लेकर भी मजाक किया है। एक सोची समझी चाल के तहत ये घटनाक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्था किसी से कुछ लेता नहीं है। वह नशे से ग्रस्त लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्ती के बयान से आज हर कोई आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर की भाषा किसी भी तरह से अमर्यादित भाषा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जिस तरह की गंदगी का परिचय सत्ती ने किया है, उस तरह की टिप्पणियां तो हमारे ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता भी नहीं करते। शर्मानी चाहिए और उनके पार्टी की लोगों को शर्मानी चाहिए। उनका अध्यक्ष जो है एक परंपरा है, आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फर्क पड़ गया है? पहले राजनीति होती थी, अगर एक दूसरे के प्रति जो है में आदर है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो आया जो आदमी और सारे जो है सभी नियमों को तोड़ते हुए बयान जमा कर रहे हैं। क्या ऐसा आदमी उनकी पार्टी का प्रधान बन के आ रही है? ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने शालीनता की सारी हदें पार कर दी, और मुझे इस बात का भी अफसोस है। कहने को तो वो जिस संगठन से आए, उस संगठन में जो है देश के कल्चर, देश की संस्कृति, संस्कारों की बात होगी, और अगर उस संगठन ने सतपाल सत्ती जैसे लोगों का पोषण किया तो मुझे उस संगठन पे जो है हैरानी हो रही। और जो बयान उन्होंने अपने भाषण में दिया, न केवल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ, और एक जो सामाजिक और धार्मिक संगठन है राधा स्वामी, जो अपनी समाज सेवा और समाज में जो कुरूतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए जाने जाते हैं, तो इससे न केवल हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है, बल्कि हर जो हिमाचल प्रदेश का नागरिक है उनका सर जो है शर्म से झुक। किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे सर आप? देखिए, मुझे ये उम्मीद थी कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कोई ना कोई इस पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं आई। हम ये निश्चित तौर पे समझ गए हैं कि जो भी उन्होंने बयान दिया उसमें जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जो है सहमति रही है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम कल जो है पूरे प्रदेश में जो है जिला स्तर पर धरना और प्रदर्शन करेंगे, और उसके बाद जो है हम ब्लॉक स्तर पे जो है धरना प्रदर्शन करके मांग करेंगे कि सतपाल सत्ती जी को पद से हटाया जाए और सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माफी मांगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष ने हिमाचल की राजनीति को कलंकित किया है और एक काला इतिहास लिख दिया है देवभूमि में। ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई भाजपा का राज्य अध्यक्ष
किस ढंग से जो है इस भाषा शैली में बात करेगा, और उस सभा में जहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं, और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का नोटिस ले और सती खुद भी इसके लिए माफ़ी मांगे। कांग्रेस पार्टी इस पे आंदोलित है, इसका वर्कर आंदोलित है, इसकी चुनाव आयोग में भी शिकायत की जाएगी, इसकी FIR भी करवाई जाएगी, और इस और ये हिंदुस्तान की जो है चुनावी परंपराओं के खिलाफ है, आदर्शों के खिलाफ है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चूक जो है भाजपा के राज्य अध्यक्ष से हुई है। सतपाल सत्ती जी ने जो कल भाषा का प्रयोग किया है, ये वाकई में एक दुर्भाग्यपूर्ण, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है। मगर मेरा ये भी मानना है कि RSS और भारतीय जनता पार्टी की जो सांस्कृतिक सोच है वो ही ऐसी है। तो मैं समझती हूँ कि उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उनसे इस्तीफा भी लेना चाहिए। निश्चित तौर पे चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, FIR भी दर्ज करेंगे। कल पिछले कल जो है भाजपा के राज्य अध्यक्ष का एक बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आया है, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? ना केवल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने गाली गलौज किया, उन्होंने प्रियंका गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की है, उन्होंने राधा स्वामी डेरा से जो जुड़े हुए लोग हैं और उनके ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन वो अपना खो बैठे हैं। कल से कांग्रेस पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन उनके खिलाफ करेगी, FIR उनके खिलाफ रजिस्टर होगी, जो कानून की धाराएं उनके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है। इस्तीफे की मांग रखेगी कांग्रेस की सपा सचिव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम इस्तीफा मांगने वाले कौन होते हैं? वो ऐसे ऐसे और लोग बनाए, उनकी मानसिकता का पता चलता है। थैंक यू सर।